गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास प्लस टू क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसको भी देखनी हो दे सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया, हमने और जो क्वेश्चन किए हैं वो भी हमने पहले बताया था। क्वेश्चन जो 6 तक थे विदाउट एक्सपेंडिंग से किए थे हमने, और ये क्वेश्चन हमने एक्सपेंडिंग करके करने हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम एक्सपेंड करके क्वेश्चन को करेंगे, और यूजिंग द प्रॉपर्टी का भी हमने यूज करेंगे। तो किस प्रकार से प्रॉपर्टी का यूज करके और एक्सपेंड करके हम क्वेश्चन को शो करके दिखाना है कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल है। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी का यूज करना हमें, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करें देखिए, जिससे अपने पास क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगी, हम आंसर आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा देते हैं, हम R1 को लिखेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3। जो अपने पास R1 जो है ये क्या, अपने पास R1 है, ये R2 है और ये R3, ये सभी को पता है। और इस प्रकार ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लगाया है, सिर्फ R1 के ऊपर लगा रहे हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस में R3, इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ऐड करने के बाद अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए इसमें इसको ऐड करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी, इसमें इसको ऐड करेंगे तो प्लस 2b प्लस 2c, इसी प्रकार से यहाँ ऐड करेंगे 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, इसी प्रकार से इसमें भी ऐड करेंगे हम 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। और जो हमने कोई चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c सी माइनस में ए माइनस में बी, और हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की। सिर्फ हमने क्या किया है, R1 के ऊपर क्या किया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को हमने क्या किया है, ऐड किया है। तो इस प्रकार से ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए इसको ऐड करेंगे तो माइनस के बी प्लस माइनस के सी, तो यहाँ 2b में से b जाएंगे तो b और 2c में से c जाएंगे c, तो अपने पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों में अपने पास a प्लस बी प्लस में सी आ जाएगा। नीचे कोई भी चेंजिंग नहीं किया हमने, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b और 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी, ये आपके पास ऐसे कैसे हैं। सिर्फ हमने इनमें इसको हमने सोल्व कर लिया, और सोल्व करने के बाद क्या आ गया अपने पास, माइनस के बी माइनस के सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी माइनस के सी और माइनस के ए है, तो 2a में से ए जाएगा था ए और 2c में से सी जाएगा सी। तो सारे जो है R1 a प्लस में बी प्लस में सी अपने पास हो गए तैयार। अब अपने पास इस लाइन से हम a प्लस बी प्लस में सी को हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 से हमने क्या ले लिया, हमने a प्लस बी प्लस में सी को क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस में सी को कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया अपने पास 1 1 1, यहाँ 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c सी माइनस ए माइनस में बी, और कोई भी चेंजिंग नहीं किया हमने, सिर्फ a प्लस में b प्लस में सी यहाँ से इस लाइन से हमने क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद क्या आ गया अपने पास 1 1 आ गया। अब हमने मैंने क्या बताया था, जितनी ज्यादा उसके हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो जीरो कैसे बन सकते, 1 में से 1 जाएगा तो 0 तैयार हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग हम क्या लगा रहे, C1 माइनस में C2 और C2 को लिखेंगे C2 माइनस में C3। ये C1 है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो कॉमन था वो तो हम लिखेंगे ही,
ए प्लस बी प्लस में सी अपने पास कॉमन चल रहा था उसको हम लिखेंगे। इसके बाद अपने पास देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वन में से बन गया जीरो, और यहाँ टू बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, टू बी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू बी में से बी जाएगा तो बी, और ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस का सी प्लस का ए। इसी प्रकार से टू सी में से टू सी जाएगा तो जीरो, और फिर अपने पास वन में से वन जाएगा तो यहाँ भी जीरो। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस के बी माइनस के सी माइनस का ए। अब टू सी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा अपने पास सी प्लस का ए प्लस का बी। इस प्रकार से हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। और हमने कोई चेंजिंग नहीं किया यहाँ पे, वन टू बी और सी माइनस में ए माइनस में। इस प्रकार से हम लिखेंगे, अपने पास अब दो जीरो तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और यदि और थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं। किससे, देखिए इस लाइन से ए प्लस में बी प्लस में सी कॉमन है, क्योंकि दो तो जीरो है और ए प्लस में बी प्लस में सी, यहाँ से ए प्लस बी प्लस में सी इसको कॉमन है। इसी प्रकार से यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस में सी हो जाएगा, यहाँ भी ए प्लस में बी प्लस में सी है तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इस लाइन से भी और इस लाइन से हम कॉमन ले सकते हैं, और डायरेक्ट भी हम यहाँ पे इस लाइन से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है किस प्रकार से हम इसको करें। तो यहाँ यदि आप कॉमन ले लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो देखिए कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन ए प्लस में बी प्लस में सी फ्रॉम सी वन एंड सी टू, सी वन से भी ले लेते हैं और सी टू से, ये सी वन थी इससे भी और ये सी टू है इससे भी, हम ए प्लस में बी प्लस में सी को कॉमन ले लेते हैं। और पहले से अपने पास कॉमन था तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी का क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। पहले कॉमन चल रहा था और दो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कॉमन ए प्लस में बी प्लस में सी, यहाँ से भी कॉमन ले लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो ए प्लस में बी का सी का स्क्वायर हो गया, और पहले से था ये तो क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, जीरो जीरो वन, यहाँ आ जाएगा वन जीरो, और यहाँ आ जाएगा अपने पास वन माइनस के वन, यहाँ वन, यहाँ टू बी, और यहाँ आ जाएगा c माइनस में। इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चन अब आसान हो गया, क्या अपने पास क्या हो गया, ये a प्लस में b प्लस में c थी, ये आपने हमने क्या ले लिया, इनको बाहर ले लिया। अब देखिए इस प्रकार से अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड एक्सपेंडिंग बाय इस लाइन से, इस r r1 से क्या कर दिया हमने, इसको एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करेंगे तो इसको जो कॉमन है उसको तो हम लिखेंगे ही, ए प्लस में बी प्लस में सी इसका क्यूब, और क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, जीरो की क्या करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो, फिर जीरो लेंगे इसको तो जीरो किसी से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो करने की जरूरत नहीं है। फिर है अपने पास वन, आप इस लाइन को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो वन की वन के साथ करेंगे तो वन, और इस साइड के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो आंसर आ जाएगा। तो जीरो को लिखें चाहे मत लिखें, तो अपने पास वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ गया, ए प्लस में बी प्लस में सी इसका क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है ना, वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस में बी प्लस में सी का क्यू, और यही हमने आंसर को लेके आना था कि ए प्लस में बी प्लस में सी का क्यू। देखिए दोबारा से मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया हमने, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, ये आर वन थी, आर टू और आर थ्री को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अपने पास ये आ गई, तो ए प्लस में बी प्लस में सी आर वन में आया हुआ है यहाँ पे, तो इससे हमने क्या ले लिया, आर कॉमन ले लिया, ए प्लस में बी प्लस में सी को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अपने पास यहाँ वन वन हो गए और कोई भी हमने चेंजिंग नहीं की। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाया, सी वन पे सी वन में से सी टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सी टू में से सी थ्री को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सी वन था, ये सी टू, ये सी थ्री, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस प्रकार से आ गया। उसके बाद यहाँ
इस लाइन से ए प्लस में बी प्लस में सी को बना रहे हैं, यहाँ से भी ए प्लस में बी प्लस में सी को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों लाइन से ये सी वन से और सी टू से भी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहाँ आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी का क्यूब, और उसके बाद हमने एक्सपेंड कर दिया इस लाइन से आर वन से। तो एक्सपेंड करने के बाद अपने पास यहाँ से वन आया, और वन की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, और यही चीज हमने क्या करनी थी, इसको प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार से अपने पास क्या था, 11 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए 11 का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट देखिए। अब बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड पार्ट है, सेम तरीके। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट इस प्रकार से, इसका सेकंड पार्ट दिया क्वेश्चन का, ये हमने इसको इस प्रकार से क्या करना है, प्रूव करके दिखाना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से ही है, सेम इस प्रकार से ही। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे ताकि अपने पास ये चीज अपने पास क्या हो जाए, प्रूव हो जाए। तो देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, देखिए ऑपरेटिंग, अब हमने क्या कर दिया, सी वन को लिखेंगे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। सी वन को हमने लिख दिया सी टू, सी वन सी टू और सी थ्री को हमने तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर रहे हैं। देखिए सी वन सी टू सी थ्री को ऐड करेंगे तो क्या फायदा होगा अपने पास, देखिए ये था अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड, ये सी टू है इसमें ऐड कर दें इसको एक्स, इसको भी ऐड कर दिया वाई, इसी प्रकार से यहाँ इसमें ऐड कर दें जेड प्लस वाई प्लस जेड प्लस में टू एक्स, इसी प्रकार से z प्लस एक्स प्लस में z प्लस में x प्लस में 2y ऐड कर दिया मैंने, और कोई चेंजिंग नहीं की, x प्लस में y प्लस में z प्लस में 2x x, और कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हम, सिर्फ हमने c1 को इसके इसको तीनों को हम ऐड कर किया हमने, और जो c2 और c3 को हमने ऐसे कैसे लिख रहे हैं, y y z प्लस x प्लस में 2y, और कोई भी चेंजिंग नहीं की मैंने, सिर्फ C1 में चेंजिंग की है, और C1 को क्या लिखा मैंने, C1 प्लस C2 प्लस में C3, और कोई चेंजिंग नहीं किया। देखिए इसको ऐड करते हैं हम, x प्लस x 2x हो जाएंगे, y प्लस में y 2y हो जाएंगे, तो 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, ऐसे ही यहाँ देखिए 2x, और यहाँ इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पर पास देखिए z y हमने, और ये था अपने पास यहाँ पे, इसको भी हमने ऐड किया था प्लस में y, y प्लस में z प्लस में 2x प्लस में y को भी ऐड किया हमने, तो यहाँ देखिए z प्लस में z 2z हो जाएगा, और y प्लस में y क्या हो जाएगा 2y और 2x, इसी प्रकार से यहाँ देखिए z प्लस में z 2z और x प्लस में x 2x और प्लस में 2y, सारे क्या हैं 2x प्लस में 2y प्लस में 2z बने हुए हैं। देखिए ये अपने पास आ गए 2x प्लस 2y प्लस में 2z, ये भी 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, तीनों ही अपने पास जो c1 है इनको हम ऐड करते हैं, सो तो क्या आ जाते हैं अपने पास 2x प्लस 2y प्लस में 2z तीनों ही, और कोई चेंजिंग नहीं कि मैंने यहाँ x y प्लस z प्लस में 2x, x y y z प्लस x प्लस में 2y, इस प्रकार से, और कोई चेंजिंग नहीं किया हमने, सिर्फ C1 पे चेंजिंग की, C2 और C3 को मैंने वैसे वैसे लिखा है। अब देखिए यहाँ से इस लाइन से हम क्या ले सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, 2x 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस में जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस में जेड और x प्लस वाई प्लस में जेड, तो पूरी को हम कॉमन ले रहे हैं, देखिए कॉमन 2x प्लस 2y प्लस में 2z फ्रॉम C1, C1 से हमने क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास 2x प्लस में 2y प्लस में 2z, अपने पास ये आ जाएंगे 1 1 1, तीनों ही अपने पास क्या आ जाएंगे 1 1 1, और कोई चेंजिंग नहीं किया मैंने, ये x ये y प्लस में z प्लस में 2x, x y y z प्लस में x प्लस में 2y, और कोई भी चेंजिंग नहीं की मैंने, सिर्फ यहाँ से इस लाइन से C1 जो थी इसका नाम, इस C1 से मैंने कॉमन लिया अपने पास, जो कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ गया 2x प्लस में 2y प्लस में 2z कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा 1 1 1, और अपने पास C2 और C3 को मैंने क्या लिख दिया, ऐसे कैसे ही लिखा है सेम,
अब देखिए मैंने क्या बताया था, जितनी ज्यादा हो सकते हैं हम जीरो बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जीरो कैसे होगी, वन में से बन जाएगा जीरो, वन में से बन जाएगा तो जीरो, तो दो जीरो आपके पास तैयार हो जाएंगे। तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग या आर वन को लिखेंगे आर वन माइनस में आर टू और एंड आर टू को लिखेंगे आर टू माइनस में आर थ्री। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया हमने, आर वन में से आर टू को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, जो कॉमन था उसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से इस लाइन से हम टू को कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, और अपने पास यहाँ से इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया मैंने तो वन में से वन जाएगा तो जीरो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ 2x है तो कितना आ जाएगा माइनस के x आ जाएंगे और माइनस के y माइनस के z, इस प्रकार से माइनस के x माइनस के y और माइनस के z, इसी प्रकार से y में से y जाएगा तो यहाँ भी जीरो, और फिर यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो y प्लस में 2x में से x जाएगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड और प्लस में x, और y में से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास y में से 2y, यहाँ माइनस के y आ जाएंगे और यहाँ से अपने पास माइनस के y माइनस के z माइनस के x, ठीक है ना। इसमें से इसको हमने सबट्रैक्ट किया तो 2y यहाँ पे किसके हो जाएंगे माइनस के, y में से 2y जाएंगे तो माइनस के y और माइनस के z और माइनस के x आ जाएंगे। अब देखिए तीसरी जो लाइन है उसको मैंने ऐसे जैसे ले दिया वन एक्स जेड प्लस एक्स प्लस में टू वाई, तीसरी लाइन को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया आर थ्री को, सिर्फ हमने आर वन और आर टू में ही चेंजिंग की है, आर वन को लिखा आर वन माइनस में आर टू और आर टू को लिखा आर टू माइनस में आर थ्री, तो इसमें से मैंने इसको घटा दिया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया, और सबट्रैक्ट करने के बाद अपने पास इस प्रकार से आ गया। अब अपने पास मैंने क्या बताया, देखिए दो जीरो अपने पास तैयार हो चुकी है, अब इस लाइन से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सीधा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, सीधा काम कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और कोई चीज यदि कॉमन आपकी हो दिखाई दे रही है तो हम उसको क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे ताकि क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मैंने बताया आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, पहले चेक करते हैं हम क्या कोई चीज कॉमन है, तो देखिए इस लाइन से हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स और माइनस का निशान हम कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस में जेड को हम कॉमन ले सकते हैं, इसी प्रकार से यहाँ से भी हम एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम उसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था बिल्कुल सेम तरीके से हम कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस में जेड फ्रॉम आर वन एंड आर टू, आर वन और आर टू से हमने क्या ले लिया एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड को हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस का वन, यहाँ आ जाएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा वन, यहाँ आ जाएगा माइनस के वन, यहाँ वन, यहाँ एक्स और यहाँ आ जाएगा जेड प्लस एक्स प्लस में टू वाई, इस प्रकार से अपने पास आ गया, हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो कॉमन देखिए हमने इस लाइन से हमने कॉमन लिया एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, एक तो ये हो जाएगा एक लाइन, इस लाइन से हमने एक्स प्लस वाई प्लस में जेड कॉमन लिया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का क्यूब कर देंगे, पहले से ही ये एक तो कॉमन पहले से ही था और दो हमने कॉमन ले लिए, तो हमने यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब हम एक्सपेंड करने में अपने पास क्या हो जाएगी आसानी हो जाएगी, अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपेंडिंग बाय C1 से, C1 में अपने पास दो जीरो तैयार है तो इस लाइन से हम क्या कर देंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इसका क्यूब, और यहां से इसको एक्सपेंड करेंगे तो जीरो है, जीरो किसी से मैंने बताया मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, फिर यहाँ फिर जीरो है तो जीरो की फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और फिर क्या है वन, क्या लिखेंगे वन इंटू, अब इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को भी छोड़ देंगे,
तो हमने क्या बच जाएगा, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस की वन की माइनस वन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का वन आ जाएगा। और इस साइड के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास जीरो। तो जीरो को लिखें चाहे मत लिखें, आप अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो वन की ये इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास वन आ जाएगा। और ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे कैसे ले सकते हैं, तो टू इंटू एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इसका क्यूब। अब इस आंसर को इस आंसर को हम मैच करते हैं तो यही आंसर अपने पास है, अपने पास इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार दोबारा देखिए मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया सी वन प्लस सी टू प्लस में सी थ्री। ये सी वन था, ये सी टू था, ये सी थ्री, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इस प्रकार से ऐड करके दिखा दिया मैंने, ऐड करने के बाद अपने पास ये आ गया आंसर अपने पास, ये सी वन में ये तैयार हो गया। अब यहाँ से अपने पास क्या है, कॉमन ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लिया मैंने, इसको कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे वन वन तैयार हो गया। और वन वन तैयार होने के बाद चल गया मैंने यहाँ से जीरो बनाने की कोशिश की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा दिया, आर वन माइनस आर टू और आर टू माइनस आर थ्री ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया। और यहाँ जीरो तैयार हो गई, अब दो जीरो तैयार हो गए। मैंने क्या बताया, यहाँ भी सीधा भी हम एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं वो चीज कॉमन है तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया हमने, तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है, तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद इस प्रकार से आ गया, और हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद वन आंसर आ गया, और वन की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। तो अपने पास यही चीज आ जाएगी, यही चीज हमने क्या करनी थी यहाँ पे शुरू करनी थी। तो देखिये, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।